हेलो एवरीवन, ये इंडियन इकोनॉमी का 25वां पार्ट है और चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ले रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूछा हुआ भी प्रश्न है, उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए बताइए कि किसे बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया है, ये प्रश्न पूछा है और इसको आप ध्यान से, मैं दो कैटेगरी बताता हूँ, सरकारी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक या शहरी सहकारी बैंक, जिसे वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया, इस पर आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं, गतिरोध या स्टैगफ्लेशन, बहुत आता है यह प्रश्न, ये भी पूछा गया है। और नेक्स्ट आप देखिए, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधानिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाते हैं, जमा रिजर्व या नकदी रिजर्व, ये भी पूछे हुए प्रश्न है, बहुत बेहतरीन है। और नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था में कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है, अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण या सरकारी खर्च पर नियंत्रण। नेक्स्ट है, ये भी आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है, देखिए, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, और मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, केंद्रीय वित्त मंत्रालय या केंद्रीय वित्त आयोग या कोई नहीं, इनमें से आपको सिलेक्शन करना है, चूँकि आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है तो आप गौर से थोड़ा सुनेंगे इसको और इसका उत्तर करेंगे। भारत के वाणिज्यिक बैंकों के बारे में दो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, इन दोनों में से एक सही है, सही स्टेटमेंट का आप चुनाव करेंगे, ये आईएएस का प्रश्न है। ग्राहकों की ओर से शेयरों और प्रतिभूतियों को खरीदारी और बिक्री या वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना, इन दोनों में से कौन सही है वो आपको बताना है। और चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ, बैंक का मुख्य कार्य क्या नहीं है, अब आप एक ये प्रश्न आ चुका है कई बार, बैंक का कार्य नहीं है, और दो ग्रुप में आपको आंसर दे रहा हूँ। तो पहला देखिए, ऋण देना, ग्राहकों को चेकों की वसूली, सोना चांदी के सिक्के बेचना, या ऋण देना, सोना चांदी के सिक्के बेचना, माल का आयात फैसिलिटेट कराना, इन दोनों में से एक उत्तर देखिएगा जो बैंक का कार्य नहीं है। और नेक्स्ट में एक क्वेश्चन फिर देता हूँ, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, दुर्लभ, ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो या ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सर्वाधिक होता है, सहकारी बैंक का या वाणिज्यिक बैंक का। और भारत में मुद्रा स्फीति दर की माप किस आधार पर होती है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, ये पीसीएस का प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, तो इसको बार बार सुने, रिवाइज करें तब आपको क्लियर होगा। कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है, और बताइए एडीआर या एसडीआर, कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है, या आईएएस का प्रश्न है, एडीआर या एसडीआर। और एक और आईएएस का प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात यानी सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या अर्थ होता है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए मुद्रा होगा या वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, इन दोनों में से चयन करें, बहुत ही घुमा करके प्रश्न पूछा गया है। और मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर या थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, तो ये रहा कुल मिलाकर के, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार।
थैंक यू वेरी मच।